विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है, x टू द पावर ऑफ 21 प्लस x टू द पावर ऑफ 14 इक्वल्स 36, ये गिवन है। और यहाँ पर हमें सॉल्व करना है x का वैल्यू, और सॉल्व बाद में चेक भी करना है। तो हाईएस्ट आंसर इसी क्वेश्चन को सेटिस्फिक्शन होते ही या नहीं होते। और ध्यान रहे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, एक्स का वैल्यू रियल नंबर ही रहना चाहिए। तो बिना देरी हम सॉल्यूशन में आ जाएंगे और नोट डाउन कर लेंगे जो गिवन इक्वेशन है, एक्स टू द पावर ऑफ 21 प्लस ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 14 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 21 है, इस एक्स टू द पावर ऑफ 21 को हम एक्स टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 21 ही होता है। यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 14 है, इसको एक्स टू द पावर ऑफ 7 होल टू द पावर ऑफ 2 अगर किया तो 7 इंटू 2 इक्वल्स 14 ही बनते हैं, पावर तब इक्वल्स 36 ये, क्योंकि यहाँ पर क्या यूज़ किया, ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ एन कर रहा, तो पावर क्या होता है, ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन बनते। ये दोनों एम इंटू एन ए फॉर्म में था, हमने ए फॉर्म में रख लिया इसे। यहाँ पर देखो एक्स टू द पावर ऑफ 7 यहाँ पर भी है, एक्स टू द पावर ऑफ 7 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स टू द पावर ऑफ 7 का वैल्यू, सब्स्टिट्यूट एज ए इक्वल्स एक्स टू द पावर ऑफ 7। हम ए का जगह एक्स टू द पावर ऑफ 7 की जगह में हम ए रख लेंगे, तब ये बनते हैं ए की जगह में, अगर एक्स टू द पावर ऑफ 7 की जगह में अगर ये रख लिया हम, तो ये ए क्यूब बनते हैं प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बनते हैं, दिस इक्वल्स 36 बनते हैं। ये हो गया क्यूबिक इक्वेशन। तो क्योंकि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर 36 ये साइड वाला, तो माइनस 36 बनते हैं, दिस इक्वल 0। एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, इसे दो तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे ये जो 36 है इसको ब्रेक करेंगे, इसको 27 प्लस 29 करेंगे, नाइन करेंगे, तो 27 प्लस 9 अगर दोनों का प्लस किया तो 37 ही बनते हैं। तब एक माइनस 36 के जगह हम क्या करेंगे, माइनस 27 माइनस 9 रखेंगे, तो ये स्क्वायर तो पीछे का याज उजल, ये क्यूब आल्सो याज उजल, दिस इक्वल चेयर। क्या किया, ये दोनों अगर मिलाया तो नेगेटिव 36 ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 27 3 क्यूब बनते हैं, है ना, ये बनते हैं 3 क्यूब और प्लस ये बनते हैं 3 स्क्वायर, जो क्यूब को ये जोड़ी कर दो और स्क्वायर को ये स्क्वायर को जोड़ी करेंगे, तब ये बनते हैं ए क्यूब माइनस 27 प्लस ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तब ए क्यूब 27 मीन्स ए क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, समझ लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, पहले सबसे पहले हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब देखेंगे। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसे हम ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसी तरह ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ए इज यही है, लेकिन बी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तब ये इक्वेशन बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह में ये फार्मूला यूज़ कर दो, स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के जगह में ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तब ये बनते दिस इक्वल्स ए माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मीन्स 3a प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। तो इंटू और प्लस है बीच में, ये प्लस और ये ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, ये अगर यूज किया तो यहाँ पर ए माइनस 3 टाइम्स ए प्लस 3 दिस इक्वल्स 0। तो यहाँ पर दोनों के ये अलग है, ये अलग है, तो दोनों के बीच में ये प्लस साइन है, तो यहाँ पर ए माइनस 3 है, यहाँ पर ए माइनस 3 है, तो इसका मतलब ए माइनस 3 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो ए माइनस 3 अगर हम दोनों इन दोनों में अगर कॉमन लिया तो बीच में क्या रिमेनिंग रहेगा, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 एक रिमेनिंग रहेगा, और यहाँ पर ए प्लस 3 क्योंकि ए प्लस है, दिस इक्वल 0, ठीक है।
अब ये सॉल्यूशन कर दो तो दिस इक्वल्स ए माइनस थ्री एज यूजल इंटू ये स्क्वायर एक ही है, ये स्क्वायर ले लो तो ये थ्री ए और ये तो प्लस फोर ए बनते हैं, है ना, तो नाइन और प्लस थ्री है तो प्लस ट्वेल्व बनता है, दिस इक्वल्स जीरो। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स मिल रहे हैं जीरो से, ए माइनस थ्री इज जीरो तो दिस इक्वल्स ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक मिल रहे, दूसरा ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक मिल। तभी ए माइनस थ्री राइट साइड में लो तो ए इक्वल्स यहाँ पर पॉजिटिव थ्री बनते, ये एक हमें वैल्यू मिला। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसमें अगर आया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर ये कंपेयर किया तो ये मिलेगा हमें, इसका वन मिलेगा, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन मिलेगा, बी का वैल्यू मिलेगा ए का कोएफिशिएंट फोर और सी मिलेगा कॉन्स्टेंट ट्वेल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला में अगर ये वैल्यू पुट किया तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। हमें मिला है पहले ए इक्वल्स थ्री एक ले लेंगे, है ना, इससे ए इक्वल्स थ्री मिला, इससे क्या मिलता है देखेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम ए का वैल्यू क्या क्या मिला, ए इक्वल्स वन, बी इक्वल्स फोर और सी इक्वल्स ट्वेल्व मिलता है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम ये सब वैल्यू पुट किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, यहाँ पर ए में है तो ए इक्वल्स आ जाएगा माइनस बी टाइम्स प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए। इस इक्वेशन में अगर ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू अगर रखा तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इससे पहले हम एक्स का वैल्यू यहाँ पर तो ये थ्री मिला तो ये रियल वैल्यू है, तो ये अगर रियल है या रियल नहीं है ये अगर पता करने के लिए यह डिस्क्रिमिनेंट जो है अंदर का बी स्क्वायर माइनस फोर सी वो पहले देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी, तो बी स्क्वायर मीन्स फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर मीन्स सिक्सटीन बनते हैं, ओके, फोर इंटू ए मीन्स यहाँ पर वन है वन ही, सी ट्वेल्व है ट्वेल्व रख लेंगे तो सिक्सटीन माइनस फोर्टी एट दिस इक्वल्स नेगेटिव थर्टी टू बनता है, यानी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पर हमें तो रियल नंबर चाहिए तो इसलिए नेगेटिव में आया है इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे। तो इससे हम पता क्या चलते हैं यहाँ पर रियल नंबर नहीं है बोल के, तो डिस्क्रिमिनेंट कभी भी अगर इक्वल रहा, डिस्क्रिमिनेंट अगर अगर सॉल्यूशन किया तो इसका वैल्यू अगर कभी जीरो रहा, इक्वल जीरो रहा, तब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रियल रहेगा, रियल एंड इक्वल रहेगा, एक ही रहेगा, दो नहीं रहेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन वन रहा, इसमें पॉजिटिव में आया ग्रेटर देन वन रहा तो रियल तो रहेगा, जो सॉल्यूशन है जो रूट्स आते हैं वो दो रहेगा ना, तो यहाँ पर दोनों सेम रहेगा, इक्वल्स रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल जीरो आए तो। अगर इसमें अगर ग्रेटर देन वन रहा तो रियल तो रहेगा लेकिन यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल रहेगा, यानी दोनों अलग अलग रहेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट अगर स्मॉलर देन वन रहा तो यहाँ पर नो रियल सॉल्यूशन आ जाएगा, नो रियल सॉल्यूशन, है ना, तो इसमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिलेगा, कॉम्प्लेक्स में मिलेगा तो रियल में नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे नेगेटिव है इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ओनली एक्सेप्ट कैसे करेंगे, ये इक्वल्स थ्री जो हमें मिला वही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इक्वल्स थ्री हमें एक्सेप्ट किया तो ये रिकॉल कर दो, ये का वैल्यू एक्स टू द पावर ऑफ सेवन है तो रिकॉल किया तो ए के जगह में एक्स टू द पावर ऑफ सेवन आया तो दिस इक्वल्स यहाँ पर आगे का थ्री। तो इससे अगर एक्स का वैल्यू हमें चाहिए तो एक्स टू द पावर ऑफ सेवन है तो ये अगर निकालने के लिए इसको वन बाई सेवन से पावर में वन बाई सेवन से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन कर दो तब ये बनता है एक्स टू द पावर ऑफ सेवन इंटू वन बाई सेवन दिस इक्वल्स थ्री टू द पावर ऑफ वन बाई सेवन, ओके, तो ये सेवन सेवन गया तो एक्स का वैल्यू दिस इक्वल्स यहाँ पर थ्री टू द पावर ऑफ वन बाई सेवन है तो इसको सेवंथ रूट थ्री हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है यंथ रूट अगर ये रहा तो हम ये को कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर ऑफ वन बाई एन लिखते हैं, ठीक इसी तरह वन बाई सेवन है तो सेवन रूट में आ गया तो बीच अंदर का रूट थ्री कैसे चल,
यानी इसका आंसर क्या है, एक्स टू द पावर ऑफ एक्स इक्वल्स सेवंथ रूट थ्री, ये इसका इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ओके, क्या मिला इसका, सेवंथ रूट थ्री मिला आंसर। ठीक है, तो हम ये वैल्यू जो मिला है सेवंथ रूट थ्री, वो इस इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट करके हम चेक करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स आर राइट हैंड साइड होता है नहीं। क्या है एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल्स सेवंथ रूट थ्री, जहाँ भी जो गिवन इक्वेशन है, जहाँ भी एक्स दिख रहा है आपको सेवंथ रूट थ्री यहाँ पर रख लीजिए, तब यहाँ पर एक्स टू दी पावर ऑफ 21 है, तो एक्स के जगह में सेवंथ रूट थ्री रख लेंगे, तो सेवंथ रूट थ्री टू दी पावर 21, ओके, प्लस ऑफ सेवंथ रूट थ्री टू दी पावर 14 इज इक्वल्स 36, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें चेक कर रहे हैं। तो सेवंथ रूट थ्री मीन्स थ्री टू दी पावर 1/7 होल टू द पावर ऑफ 21 एज यूजुअल, प्लस सेवंथ रूट थ्री मीन्स यहाँ पर भी थ्री टू द पावर ऑफ 1/7 होल टू द पावर ऑफ 14 इज इक्वल्स 36, क्योंकि हमें पता है यंथ रूट अगर ये रहा तो ये टू द पावर 1/n बनता है, इसके हिसाब से ये सेवंथ रूट 1/7 बन गया। तो इन दोनों अगर पावर यूज कर दो, ए टू द पावर ऑफ एम होल टू द पावर ऑफ, अगर एन रहा तो ए टू द पावर ऑफ एम इंटू एन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बनते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो थ्री टू द पावर 1/7 इंटू 21 बनता है, यहाँ पर थ्री टू द पावर 1/7 इंटू 14 बनता है इज इक्वल्स 36, तो 7 × 7 7 × 3 यहाँ पर अगर हम ये किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 3 टू द पावर यहाँ 3 रहेगा, प्लस यहाँ पर 3 टू द पावर 2 रहेगा इज इक्वल्स 36, तो 3 टू द पावर ऑफ 3 दिस इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 3 मीन्स 27 बनते हैं, प्लस ऑफ 3 टू द 2 मीन्स 9 बनते हैं, दिस इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 36, यस 36 इज इक्वल्स टू 36, यस यस हाय 36 इक्वल 36 है, देयरफॉर LHS इक्वल्स, देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, तो इसलिए जो हमें वैल्यू मिला है x इज इक्वल टू सेवंथ रूट ऑफ 3, ये आंसर वैलिड है, वैलिड सॉल्यूशन। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।